फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वोमोटो में। आप देख सकते हैं हमारे पास अभी ये फोट्रॉन का एक ट्राईपॉड है, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फोटॉन स्टडी प्रो 550 ट्राईपॉड। तो ये बेसिकली एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। एक अगर आपका बजट 1000 के आसपास है और आप एक अच्छा ट्राईपॉड लेना चाहते हैं, तो जो मोमोटो के रिसर्च में मिला कि ये एक बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है, तो दैट इज़ वाई आई जस्ट ऑर्डर दिस प्रोडक्ट टू गिव यू रिव्यू ऑफ दिस फोटोन। आप देख सकते हैं अगर हम इस पर पैकेजिंग की बात करें तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा इसका पैकेजिंग फोटोन का। अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे मॉडल नंबर, तो दैट इज़ PHT550GR। एंड ये प्रोडक्ट का बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया है। अगर हम इसके इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस भी आपको दिखाए गए हैं, लाइक इसको एक्सटेंड करके आप 1365 mm तक इसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कुछ आपको साथ में मिलता है, दैट इज़ फोटोन का यहाँ पे एक बैग मिलेगा, साथ साथ आपको एक मोबाइल होल्डर मिलता है। ये मेन प्रोडक्ट है। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो दैट इज़ मेंशनड हेयर इज़ 1999, तो वो थोड़ा ज़्यादा है, बट आपको ऑफकोर्स ये लगभग 1000 या उससे नीचे हमेशा ही आपको मिल जाता है। तो ऑफकोर्स एक बेटर डील हो जाती है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे आप क्लोजली देख सकते हैं कि ये आपको प्राइस दिखा गया है, दैट इज़ 1990 इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। सो दिस इज़ यू नो प्राइस ओवर हेयर। अगर हम यहाँ पे बात करें इसको ओपन कैसे करना है, तो ये बेसिकली लीड आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आप इसको इस तरह से निकालने के बाद ये आपका मेन यूनिट का जो बॉक्स है, जो बैग है, वो आपको मिलता है सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसी में ही आपका सारा कुछ प्रोडक्ट होता है। इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है प्रोटॉन टीएम की, इंस्पायर्ड बाय क्रिएटिविटी। अगर यहाँ पे बात करें तो आपको इसको बैग को ओपन करना है, और ओपन करते ही आपको ये प्रोडक्ट अंदर इसको फिर फर्दर एक पॉलीथिन में रैप किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। यहाँ पे आपको ये मिलता है मेन यूनिट, जो कि बेसिकली ये ट्राईपॉड है। और ऑफकोर्स देखते ही आपको लग गया होगा कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। ऑफकोर्स एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मुझे लग रही है फर्स्ट इम्प्रेशंस में। साथ ही साथ आपको ये मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत यूज़फुल चीज़ हो सकता है अगर आप वीडियोस को अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से क्रिएट करना चाहते हैं। ये इस तरह से स्ट्रेच होगा और यहाँ पे आप इसको मोबाइल को माउंट कर सकते हैं। अगर हम इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फीचर वाइज देख सकते हैं आप, ये इस तरह से आपका वर्टिकली एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल या कैमरा को लगाने के लिए ये बेसिकली माउंट के लिए दिया जाता है, और इस पर्टिकुलर यूनिट को आप यहीं पे इस तरह से टाइट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्क्रू बेस्ड सिस्टम पे ये आपको मिल जाता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे मेन चीज़ की, तो जो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, आपको हमने दिखा दिया कि हैंडल है जो आप इस तरह से रोटेट कर पाएंगे। अगर इस पर्टिकुलर यूनिट को आपको इस तरह से भी रोटेट करना है 360, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन दिस फोट्रॉन में। यहाँ पे आप इसको फिर से टाइट कर देंगे अगर कहीं पे आपको किसी पॉइंट पे फिक्स करना है। यहाँ पे आपको लेबलिंग दिख रहा होगा, ऑफकोर्स ये लेबलिंग आपको यहाँ पे दिखता है, जो कि बेसिकली यहाँ पे आपको ये टाइट करने के बाद अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो वो फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको इस लेवल तक लाने के बाद और फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ये सारे फीचर्स काफ़ी यूज़फुल लग रहे हैं, और काफ़ी इम्प्रेसिव डिज़ाइन क्वालिटी सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब अगर हम बात करें इस पे कैमरा को, या फिर आप अपने फ़ोन को कैसे माउंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ये ओपन करना है आपको, और यहाँ पर सिंपली आपको इसको फिक्स करने के बाद ये टाइट कर देना है। ये आपको रोटेट करते हुए टाइट कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे हमने अपना मोबाइल माउंट को यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब इसके बाद सिंपली आपको अपने फ़ोन को यहाँ पे रखने के बाद इसको स्ट्रेच कर देना है, राइट। आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोन प्रॉपर्ली यहाँ पे फिक्स हो गया है। आप जिस तरह से चाहें अपने इस हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये ओवरऑल सारे फीचर्स मुझे अच्छे लगे। अब हम अगर इसके एक वर्डिक्ट की बात करें, फाइनल वर्डिक्ट की, तो ऑफकोर्स यहाँ पर मुझे जो सबसे सुपीरियर चीज़ लगा वो इसका बिल्ट इन डिज़ाइन, जो कि काफ़ी बेहतर लगा। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वालिटी है मटेरियल का, वो काफ़ी अच्छा है। ब्रांडिंग भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने की है। ऑफ कोर्स फ्रोटॉन इज़ नॉट अ बैड ब्रांड, आपको देखने के बाद लोग को अच्छा भी लगेगा। तो ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट है फ्रोटॉन की तरफ से। प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, बेसिकली ये इसका लेवल है, हाइट आप देख सकते हैं कि लगभग आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
कॉस्ट अगर हम इसको और डाउन करना चाहते हैं तो स्टेप क्या होगा, आप एग्जैक्टली वही फॉलो करिएगा इसको डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको इसी पर्टिकुलर चीज को डाउन करना है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब इसका हिंज ये फंस जाता है देन आफ्टर यू नीड टू जस्ट टाइटन दिस अप। तो यहाँ पे आप इसको टाइट कर देते हैं, तो ये इसका लेवल होता है विदाउट स्ट्रेचिंग दिस मिडिल पार्ट। तो आप देख सकते हैं इसके बावजूद भी ये काफी मतलब बड़ा है, आप इसको फर्दर इतना लंबा कर सकते हैं। और कॉस इसको फोल्ड करने का सिस्टम यही है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस लेवल को डाउन करना है, इसके बाद आप इसको ऊपर कर लीजिए, राइट, फिर टाइटन अप कर लीजिए, इस स्टेप को ऊपर कर लीजिए देन टाइटन अप कर दीजिए, एंड इस स्टेप को ऊपर करने के बाद देन इसको टाइटन अप कर लीजिए। तो इसका लेवल एक और डाउन हो गया। एक और लेवल डाउन होने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी टेबल पे बैठे हैं तो हमको लगता है कि ये स्कूटी बहुत क्लोज से रिकॉर्डिंग करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, देन आपके लिए जो बेस्ट सुटेबल एंड मिनिमम पॉसिबल हाइट होगा वो ये होगा। कॉस आपको तीनों ही फोल्ड को फोल्ड करने के बाद टाइटन अप कर देना है। सो दिस इज द हाइट, एक्चुअल हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर, यू नो आफ्टर ईच एंड एवरी फोल्ड ये इतना छोटा हो जाता है। तो इजीली आप किसी भी प्रोडक्ट को यानी टेबल पे रख करके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हाउ यूजफुल दिस फोट्रॉन ट्राइपॉड इज फॉर यू, आप देख सकते हैं। आई होप अब आपको इसके हाइट का और प्रॉपर यूजिबिलिटी का आइडिया लग गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।